आखिर किससे मिलने जा रहे हैं शालीन भनोट, और किसने ये जानकारी दी है? सबसे पहली चीज तो शालीन जिनसे भी मिलने जा रहे हो, ये जानकारी शालीन ने किस तरीके से दी? और आपको बता दूं भाई, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, शालीन जिनसे मिलने जा रहे हैं वो इंडिया की नंबर वन एथलीट्स में से एक है, इंडिया को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स दिला चुकी हैं और बहुत लॉरेंस लेकर आई है इंडिया के नाम पर। भाई इंडिया का प्राउड है वो, भारत का गौरव आप कह सकते हो। शालीन उनसे मिलने जा रहे हैं, तो शालीन के साथ कौन जा रहा है और किस तरीके से ये जो बात शुरू हुई है वो किस तरीके से शुरू हुई है, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी खबर और पूरी अपडेट। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट कनीश कांदू। शालीन भनोट, जनता की पसंद शालीन भनोट, आज के टाइम पे ट्विटर पे तो भाई ये चीज़ हमको ज़्यादा देखने को मिल रही है कि शालीन जो है वो जनता की पसंद है। भले से कुछ लोगों ने उनको इग्नोर किया होगा, कुछ लोगों ने उनको गलत बोला होगा, लेकिन शालीन की एक्टिंग का इस समय लोहा मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका सबसे बेसिक रीज़न मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि शालीन जब बिग बॉस के घर में थे तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनके ऊपर ये सवाल उठाया था कि शालीन जो है वो बहुत बहुत फेक है, शालीन हर चीज़ में ओवर एक्टिंग करते हैं, शालीन का गेम किसी को समझ में नहीं आता कि शालीन करना क्या चाहते हैं, और शालीन का ओवरऑल एक ही चीज़ है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो उनके साथ टैग लगा ना कि एक्टिंग कर रहे हैं, ये चीज़ को बिग बॉस ने भी अप्रिशिएट किया कि शालीन भाई आप लिटरली बहुत बढ़िया एक्टर हो, क्योंकि अगर कोई बंदा इतने दिनों तक एक्टिंग कर सकते हैं तो आप समझ सकते हो कितना बेहतरीन एक्टर होगा। और ये एक वजह थी कि शालीन को शो मिला बेकाबू बेकाबू, कहीं ना कहीं शालीन को इस समय भाई टर्निंग पॉइंट है ये, और जिस तरीके से शालीन अपनी एक्टिंग इसमें दिखा रहे हैं बहुत गजब बहुत गजब। भाई जो लोग बिग बॉस की जर्नी में शालीन को बोल रहे थे कि ओवर एक्टिंग करता है, जो ही लोग बोल रहे हैं कि वाह शालीन क्या एक्टिंग करता है, तो ये जो अचानक से ट्विस्ट हुआ, ये जो अचानक से चेंज हुआ ना भाई, वक्त लगा। शालीन बिग बॉस के घर में टूटे भी थे, रोए भी थे, तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। तो इसका एक एक बिट, एक एक सक्सेस वो डिज़र्व करते हैं। और अगर सॉरी शालीन जो है वो किससे मिलने जा रहे हैं, तो बात अगर स्टोरी की जाए तो आप सुन सकते हो, ये उनकी को स्टार आयशा सिंह है, उन्होंने स्टोरी डाली है। ये आप सुन सकते हो शालीन ने क्या बोला, शालीन जो है वो मिलने जा रहे हैं सानिया मिर्जा से जी। और अभी बता दूं, रिसेंटली सानिया मिर्जा से कोई मिला था तो वो एमसी स्टैन मिले थे उनके कॉन्सर्ट वाले दिन, और अब बीच में स्टैन ने फोटो भी डाली थी, थैंक यू आपा, जहाँ पर सानिया मिर्जा ने स्टैन को गिफ्ट्स भेजे हैं, शूज़ भेजा था और उसके साथ बेल्ट भेजा था आई थिंक सो। लेकिन स्टैन का और सानिया मिर्जा का बॉन्ड ऑलरेडी बहुत बढ़िया, लोगों को पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ये भाई बहन वाला थोड़ा टाइप का बॉन्ड है। और शालीन भी उनसे मिले, शालीन जब तस्वीरें शेयर करेंगे तो पता चलेगा कितना मतलब मज़ा आएगा तस्वीरें शेयर उनकी जब देखने के बाद। तो इस पर आपकी क्या राय है और तस्वीर आने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमें ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।